दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय निम्बस अकेडमी फॉर IAS चंडीगढ़। न्यू बैच स्टार्टिंग 19th September, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच अवेलेबल। भारतीय सेना के चेतक कोर गनरस द्वारा 196 गनरस डे और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में धर्मशाला में मनोरंजन और ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को कर्नल दिग्विजय सिंह कमान अधिकारी अग्रिजीय मध्यम तोपखाना द्वारा योल कैंट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रैकिंग टीम में एक अधिकारी, एक JCO और 8 जवान शामिल है। टीम दोलाधार पर्वतीय क्षेत्र में 345 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अभियान के दौरान पूर्व सैनिकों और स्थानीय जनता से बातचीत की जाएगी तथा भारतीय सेना द्वारा स्वच्छ भारत अभियान बारे लोगों को जागरूक किया जाएगा। इधर यहीं पे युवाओं से मिलने के लिए जा रहे हैं और हमारा मेन एम ये है कि बीच बीच में मिले हुए एक सर्विस मैन को उनका प्रॉब्लम समझ लेने और आगे फॉरवर्ड करने और हम इन फन एंड एंटरटेनमेंट पर्पस भी एक कवर कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान उनको भी हम कवर करके चलेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि स्वच्छ भारत अभियान हम बीच बीच में जो भी उनका एम है वो स्प्रेड कवर करते हुए जाएंगे और हमारे को जो भी कर सके वो भी हम बीच बीच में कवर करके जाएंगे। वो बीच बीच में मिले हुए रास्ते में अगर कोई आदमी, कोई फैमिली ऐसे मिले हुए, हम उनका एम पूरा तरीके से उन्हें समझ लूँगा और हम भी थोड़ा थोड़ा हेल्प मदद करके उनको साथ में लेके चलेंगे। हम एक महीने के बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इस ट्रैकिंग का। पूरा किलोमीटर है 345 और हम स्टार्ट करने हैं योल कैंट से नगरोटा वाया हम उतराला पहुंचेंगे। उतराला सीधा से धर्मवाला से सुनला के बाद गौरीयार के बाद सतियार और सतियार के बाद सतरुंडी हेलीपैड में हम ये ट्रैकिंग के ख़त्म करेंगे। हमारी जो चेतक कोर है उसमें हमारी एक अग्निजय टीम है, मैं उसका कमान अधिकारी हूँ और हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आए हैं। देखिए हमारा जो इंडियन आर्मी का जो एडवेंचर एक्टिविटी के तरफ जो नज़रिया है वो इस प्रकार है, हम पीस टाइम में कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे कि हम लड़ाई का मकसद हासिल कर सकें और मेंटली और फिजिकली हमारे जवानों को उसके लिए ट्रेन कर सकें। तो स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर एक्टिविटी शायद एक ऐसी एक्टिविटी है जो मेंटल और फिजिकल रूप से जवानों को लड़ाई के नियर रियल एस्पेक्ट दिखाती है। सो हमारा मकसद रहता है कि हर साल हमारे कुछ जवान ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी करें और उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एडवेंचर एक्टिविटी चुनी। क्योंकि मैं खुद ही एक ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ, हरियाणा के एक रूरल बैकग्राउंड से रहने वाला हूँ, हम जानबूझ के ऐसा एडवेंचर का इलाका ढूंढते हैं जहाँ पे हम रूरल बैकग्राउंड में, रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन से मिलाप कर सकें ताकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनका रिजॉल्व कर सकें। लास्ट ईयर हमने बैजनाथ से होली तक का 105 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग किया था उसमें हम 16 एक्स सर्विसमैन से मिले थे और जिनमें काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स थी जो हमने ESM सेल तक भिजवाई, जैसे स्मार्ट CHD कार्ड वगैरह नहीं चल रहे थे। सो इस बार हम 345 किलोमीटर में आमतौर से 26 से 30 एक्स सर्विसमैन हमने ऑलरेडी मैप कर लिए हैं जिनसे हम मिलेंगे। तो पहला हमारा मकसद ये है कि एक्स सर्विसमैन से मिलना और दूसरा मकसद ये है कि उन रिमोट एरियाज़ में हम इंडियन आर्मी की छवि को पहुंचाएं ताकि अगर वहाँ रिमोट एरिया में कोई बच्चे हैं वो इंडियन आर्मी के जवानों को वर्दी में देखें और उनके जहन में कुछ आए कि हमने भी फ्यूचर में इंडियन आर्मी में जाना है, भर्ती होना है। बिकॉज़ आप टीवी में देखते हैं उसका असर अलग होता है और जब रूबरू देखते हैं, आमने सामने देखते हैं सिपाही को, तो उसका मकसद अलग होता है। और लास्ट हमारा मकसद ये था कि इंडियन आर्मी का एक हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है जिसमें हम रिमोट एरियाज़ में जाके हम स्वच्छ भारत अभियान का भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये 3-4 हमारे मकसद थे जिसकी वजह से हमने हिमाचल को चुना। युवाओं को देखिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे युवा को मतलब उपसर करना ही नहीं है, इतने ज़्यादा युवा हैं, ऑलरेडी लाइन लगी हुई है। आप देखो अभी मैं हाल फिलहाल कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो हमारा अग्निवीर के भी जो जितने भी एप्लीकेशंस आई हैं वो भी रिकॉर्ड काफ़ी कायम किया है उसने। सो इंडिया में, भारत देश में वैसे ही बहुत से लोग प्रेरित हैं
लेकिन वैसे भी आर्मी बीच बीच में ऐसे इनिशिएटिव लेती रहती है, जैसे एडवेंचर हुआ, फिर इक्विपमेंट डिस्प्ले होता है, फिर हम अपने लेवल पे काफ़ी सैनिक मेला वगैरह का आयोजन करते हैं। पूर्वाभास दो तरह का है कि एक तो आपने फिजिकल तैयारी करनी है और दूसरा अपना रिटर्न का तैयारी करना है। सो मेरे ख्याल से आजकल जैसे सोशल मीडिया आजकल जो चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि कोई स्पेशल इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, बिकॉज इंटरनेट पे और सोशल मीडिया के तरह सब कुछ अवेलेबल है। पहले उनको रिटर्न क्लियर करना पड़ता है, फिर उनको फिजिकल के लिए जाना पड़ता है, फिजिकल करने के बाद एक मेडिकल होता है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट।